कौन है? कौन है? कौन है बाहर? कौन है बाहर? सोनू कहाँ गया? कौन है? कौन है? कौन है? इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मैंने यहां पर किसी का क्या बिगाड़ा है? कौन है? मुझे डराने की कोशिश कर। नहीं नहीं वर्मा जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए। आप एक काम कीजिए, हाँ आप अपनी टेंशन मेरे पास भेज दीजिए, आपकी सारी टेंशन मैं बर्दाश्त कर लूंगा। हम किस लिए हैं? आपने हमको हायर किया है अपनी टेंशन दूर करने के लिए, और अगर हम ही आपकी टेंशन दूर ना कर पाए तो मेरी जरूरत ही क्या रह जाएगी? या कूल डाउन वर्मा जी, आई विल टेक केयर, या बाय। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कोर्ट से आ रही है? जी कोर्ट जा रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। बैठिए। बोलो। सर ये सरोज विकास गुप्ता की फाइल है, आप एक बार देख लेते तो। नहीं नहीं मेरे देखने की क्या जरूरत है, तुम सीनियर हो भाई, यू आर परफेक्टली ऑलराइट। क्या सर
आपसे सीनियर थोड़ी ना हो सकती हूँ। फिर भी सर, आप अगर एक बार देख लेते। ठीक है। अच्छा, कमाल, अरे वाह, तुम्हें तो कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी मैटर अपनी अपनी जगह पे ओके हैं। अच्छा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी तरह की कोई धमकी या कोई फोन? ये छोटी सी बात सर को बताऊं कि ना बताऊं? यशोदा, यशोदा। जी सर। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है और तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। नहीं सर, सब ठीक है। आई थिंक सो, मैं भी यह चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक ही हो। यशोदा, तुम नहीं जानती ये केस तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। हम कुछ समझे नहीं सर। ये तुम्हें इस केस के जीतने के बाद पता चलेगा। सर, जरूरी तो नहीं है कि ये केस हम जीत ही जाएं। विजेता कभी पराजय की बात नहीं करते। तुम जानती हो, ये केस मैं दीपक को भी दे सकता था, लेकिन मैंने तुमको दिया। क्यों? हमको नहीं पता सर कि हम किस काबिल हैं, लेकिन आपके उपकारों के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। ओ कमान, इसमें परोपकार की कोई बात नहीं है। यू डिजर्व इट। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है मैंने, एक इंटेलिजेंट लड़की को उसकी जगह दी है। ओ, ये लो फाइल, तुम्हारे केस का टाइम हो गया है। मैंने बेवजह तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है। ठीक है सर। अच्छा सर, शाम को आप मिलेंगे? नहीं नहीं, वो इंट्यूशन का केस है, थोड़ा सा केस स्टडी करना है। आई विल बी बिजी इन द इवनिंग, कल मिलते हैं। ठीक है सर, तो फिर मैं कोर्ट से सीधे घर निकल जाऊंगी। ओके बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अरे नताशा, एक ग्लास पानी लाओ। ये दो पल चैन से जीने नहीं देंगे। हाँ काम ले, बोलो। हाँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सादी वर्दी में विश्वा गली के कॉर्नर में खड़े रहोगे। 9 से 11 बजे के बीच में भुवन के आने का टाइम है। तुम उस पर निगरानी रखोगे और उसका पीछा करोगे। अगर उसे मिसेज मकवानी को मारने का इरादा है तो तुम उसे फौरन अरेस्ट करोगे या मुझे इन्फॉर्म करोगे। हाँ काम ले, और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस उसके पीछे है। और हाँ सुनो एक बात, जिसने भी ये खबर दी है बिल्कुल पक्की खबर है। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात है क्या? पुलिस वाला हूं ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, निभाना पड़ता है। मिसेस मकवानी कौन है? मिसेस मकवानी क्रिमिनल केस की बहुत बड़ी लॉयर है। क्राइम के केसेस में कोई इन्हें हरा नहीं सकता। इन पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए पुलिस से सिक्योरिटी मांगी है। खुलेआम हमला करने वालों की हिम्मत तो देखो, ना पुलिस का डर है ना पब्लिक का। और ये वकील लोग भी पैसे के चक्कर में उल्टे सीधे केस ले लेते हैं। और भुवन ने जो जुर्म नहीं किया, मकवानी ने उसे सजा दिलवा दिया। और भुवन पेशेवर मुजरिम नहीं है, वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है। और आज जब भुवन जेल से रिहा हो रहा है तो मिसेज मकवानी को एहसास हो रहा है कि उसने गलत किया है। सुनील, वकील लोग तो इंसाफ दिलाते ना, तो उन्हें किस बात का खतरा? और यशोदा भी तो वकील है ना, कहीं उसके साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो?
अरे तुम भी खामोखा किसी बात को उधेड़ने में लग जाती हो। मैं तो डरी जाऊंगी ना, यशोदा मेरी सहेली है और वो वकील भी तो है। अरे यशोदा तो फैमिली केस लड़ती है, वो भी अपने सीनियर वकील के नीचे। लगता है आज भूखे मारने का इरादा है, इसलिए इतनी बातों में उलझा रही हो। जल्दी से खाना लगाओ ना, बहुत भूख लग रही है, प्लीज। अच्छा बाबा अच्छा, आपका खाना तैयार है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। और वैसे भी मैं ये मकवानी को तो जानती हूँ नहीं, पता नहीं मैं भी किस बहस में लगी हुई। अच्छा बताओ दुर्गा कहाँ है? वो सो गई है। चलिए ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। बात तो सही है, कल यशोदा के साथ वैसा कुछ हो सकता है। छोटा सा भूल समझ के हमको माफ कर दे प्रताप, हमारे भाई, हम तो हमेशा तोरे सुख दुख में साथ रहेंगे। एह में माफी मांगे के का बात बा? हम तोरे साथ में। हाँ भैया, तू हमारे साथ होगा, माँ हमारे साथ है, लेकिन हम केहू के साथ ना भाई। अपन अलग दुनिया बना ले लेंगे भैया। और यशोदा जो यहां से 2000 किलोमीटर दूर है, वो ये साबित कर देलस कि अपन अपन ही होला। आज हम एकदम अकेला हो गए बानी भैया, और नेतवा जेकरे जितावे खातिर हम 10 केस अपने ऊपर ले लेंगे, और वकीलवा ओकरे परिवार खातिर हम का ना कहली। जब आज हम फसली हां तो सब अपन हाथ खींच लेलस। आज अपने परिवार खातिर ये सब करती, आज हमारे परिवार कहां से कहां चल जाते। पूरा ठाकुर खानदान का नाम हम मिट्टी में मिला दिली भैया, मिट्टी में मिला दिली। प्रताप तुहार पश्चाताप तुहार सब बुराई के मिटा दी। भैया यशोदा हमारा खोल देलस, ई हवेली में यशोदा के साथ का काना भाई। पर आज यशोदा के मन में माँ खातिर हवेली खातिर कितना इज्जत बा, कितना सम्मान बा। ठाकुर खानदान के इज्जत बचावे खातिर यशोदा मुंबई से हमार मदद कर ली। ये हवेली में भैया हम फिर से बचपन के दिन गुजारे चाहिला। भैया भैया आपके साथ और रवि के साथ फिर से खेले चाहिला। प्रताप भाई जौन तू चाहत बड़ा वही होई, फिर से हवेली में खुशी के दिन आई। पर खेले वाला बच्चा हम तू ना, सीमा दुर्गा नेहा हुई। बस अम्मा एक बार कसम वापस ले ले। अम्मा के सब कसम वापस लेवे के पड़ी। हम सब मिलकर अम्मा के समझाए, अम्मा कहे न मन। भगवान तुहार लीला अपरंपार कि तू हमार प्रताप के बदल देला। सरोज जी, क्या तुम चाहती हो यशोदा तुम्हारा केस लड़े? जी वकील साहब। तुम अपने पति से अपना हक पाना चाहती हो? जी बिल्कुल।
क्या तुम बता सकती हो उनके कौन कौन से दोस्त हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? वकील साहब क्या बताएं हम आपको, मोहल्ले में भी वो किसी से बात नहीं करता है और हमारे यहाँ भी कोई आता जाता नहीं है। सच सच बताना सरोज। सच सच ही तो बता रहे हैं वकील साहब, कुछ अनजान लोग हैं जो मिलने आते हैं जिनको मैं भी नहीं जानती हूँ। वो कौन लोग हैं, कैसे उनके बारे में मालूम किया जा सकता है? क्या पता वकील साहब, मगर हाँ क्या एक जगह है जहाँ से पता लगाया जा सकता है। वकील साहब एक घर है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हैं, वहाँ से पता लगाया जा सकता है। कहाँ है वो घर? यही मोहल्ले में तालाब के पीछे में ही है। ठीक, तुम जा सकती हो। यशोदा अब तो तुम गई। अरे दरवाजा कैसे खुला? आप कौन है और मेरे घर में ऐसे? विकास, विकास गुप्ता, सरोज का पति। फिल साहबा, हम तो गए थे ना, मान जाइए, लेकिन आप ठहरी जिद्दी औरत, मगर हम भी आपसे कम नहीं है जिद्दी। देखिए देखिए, आप रिवॉल्वर नीचे रख के बात करिए। अरे हम इतने बुड़बक थोड़ी हैं। हमें मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक, दो। देखिए अगर आप हमें मार देते हैं तो सरोज कोई दूसरा वकील कर लेगी। यही तो नहीं होगा वकील साहबा कि आपकी मौत के बाद इस केस को कोई और ले। विकास आपको पता है कि आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और आपको इसकी क्या सजा मिल सकती है? हम कुछ सुनना नहीं चाहते, बस इस केस की पैरवाई अब आप नहीं करेंगे। क्यों? क्यों आप जान के अनजान बनने की कोशिश करेंगे वकील साहबा? हम अपनी आदा जिंदगी में किसी भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, चाहे वो हमारी बीवी के ना हो। शोधा अभी तक नहीं है, लेट आती है तो फोन कर देती है लेकिन कोई फोन भी नहीं किया। देखो विकास, अभी आप आवेश में हैं, अभी आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप रिवॉल्वर नीचे रख दीजिए।
नहीं, सबसे पहले बताइए आप सरोज का केस छोड़ेंगी या नहीं? विकास, शायद आपको मालूम नहीं है कि यशोदा ना तो सच से भागती है और न झूठ के सामने घुटने टेकती है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें मारकर आप जीत जाएंगे तो बिल्कुल मार दीजिए, कि हम टस से मस नहीं होंगे, कि हमारा इरादा पक्का है। मेरा इरादा भी पक्का है, आपको बहुत समझा लिए, अब हमारे पास टाइम नहीं है। ट्राई कर लेता हूं। फोन मत उठाइए वकील साहबा, वरना। फोन मत उठाइए। यशोदा फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर क्या हो सकता है? She's not picking the phone. Normally ऐसा करती तो नहीं है, हमेशा मेरा फोन तो उठा ही लेती है। Something is fishy. वरना क्या गोली चला देंगे, मार देंगे हमें? चलाइए गोली, मार देंगे हमें? ओह माय गॉड, चलाइए गोली, चलाइए आप गोली, मार दीजिए मुझे। क्या कर सकते हैं, किसको फोन लगाऊं? सुभाष, ये कमिश्नर साहब को दफ्तर लेकर जाओ। और सुनो, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। सुनील को फोन लगाता हूं। यस वकील साहब, बताइए। अभी मैंने यशोदा के फोन पर सुना कि कोई इसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या? हाँ, मुझे लगता है यशोदा की जान खतरे में है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है, मुझे लगता है कुछ बहुत गड़बड़ है। क्या मर्दानगी है, एक रिवॉल्वर के हाथ में आ गया, अपने आप को शेर समझने लगे।
हम तो आपको इस गुनाहों भरी जिंदगी से निकालकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए कि आपकी जिंदगी के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, हम कि आप? वो मेरी जिंदगी है, चाहे मैं उसे आबाद करूं या बर्बाद करूं, इससे आपको क्या? जुए में अपनी खुशहाल जिंदगी कौन बर्बाद कर रहा है? शराब पीकर अपनी पत्नी को कौन पीट रहा है? विकास बाबू, लोग अग्नि के साथ फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाते हैं, लेकिन आप तो पहले ही जन्म में नाकाम हो गए। और वो बेचारी सरोज जो आज भी आपके ही नाम की माला जपती है। हमको अपनी बातों में फंसाइए मत। हम आपको फंसा नहीं रहे हैं, बल्कि सच बता रहे हैं। 10 मिनट पहले, इसका मतलब हमारे घड़ी में 10:30 बजे हैं। इस वक्त इशारा को घर पे होना चाहिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यशोदा का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। She is a very strong woman. Believe me. I hope so. Okay. इस शहर में यशोदा का दुश्मन कौन हो सकता है? मुझे कुछ जल्दी ही करना होगा। कामले। हाँ सर। कहाँ हो तुम अभी? हाँ सर, मैं 4 बंगले चौकी पे हूँ सर। तुम एक काम करो, तुम मेरे वाइफ की फ्रेंड यशोदा को जानते हो ना? हाँ सर, मैं उनको जानता हूँ। कोई आदमी उसे धमका रहा है, तुम जल्दी पहुंचो वहां पर। ओके सर। दामले गाड़ी निकाल। आपको नहीं पता कि सरोज आज भी चाहती है कि आपको कोर्ट कचहरी का डर दिखाकर आपको सही रास्ते पर ले आए। ये बिल्कुल गलत है। हम गलत नहीं कह रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि सरोज फिर से आपके बच्चे की मां बनने वाली है। मैं अपनी गलतियों से शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ो। यशोदा जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है और ले जाके इसकी ऐसी धुलाई करेंगे कि ऐसा करने की दोबारा जरूरत भी नहीं करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हमने विकास को गिरफ्तार कर लिया है और यशोदा जी बिल्कुल सेफ है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सर आगे क्या करना है? उस बदतमीज की जमकर मरम्मत करो। ओके सर। अब ईश्वर जी, आप चिंता ना करें, प्लीज बैठिए, बैठ जाइए, परेशान मत होइए, बैठ जाइए। बैठिए आप। देखिए जीजा जी, जो कुछ हो गया है उसे भूल जाइए। इतने बेरहम मत बनिए। आप किसी के पति हैं, वो भी किसी का पति है। ये क्या कह रही हो ईशोदा? तुम एक क्रिमिनल की पैरवी कर रही हो, उसकी तरफदारी कर रही हो। जीजा जी, आप विकास को तो सजा दे देंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि
उसके बाल बच्चों का क्या होगा? जीजा जी, क्रिमिनल कोई आकाश से नहीं टपकता है, वो भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। हालात और परिस्थितियां उसको ऐसा बना देती हैं, लेकिन उन्हें भी तो सुधरने का मौका मिलना चाहिए ना। यशोदा, तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे कुत्ते के दुम को सीधा करने वाली बात। ये एक बिल्कुल नाकाम कोशिश है। हम कुछ नहीं जानते कि कौन क्या सोचता है। हम तो बस इतना जानते हैं कि हम किसी का घर तोड़ नहीं सकते, बल्कि जोड़ना जानते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि उसकी गिरफ्तारी के साथ उसका परिवार और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है? हम आपसे कहते हैं कि उसे छोड़ दीजिए आप। मान गए यशोदा, औरत का मन कितना कोमल, निर्मल और स्वच्छ होता है। गंगा जमुना की तरह, जो मनुष्य को पवित्र करके बाहर भेज देती है। तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। जीजा जी, चाय तो पी के जाइए। चाय फिर कहीं बाद में पियेंगे, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, मैं चलूं? सर। ओ यशोदा, डू कम। वेरी गुड, अमेजिंग, इट्स अ ग्रेट जॉब। यू आर ग्रेट, यू आर रियली ग्रेट। हम कुछ समझे नहीं सर। ग्रेट और हम, ऐसा हमने क्या काम कर दिया? तुम कैसे ग्रेट हो ये बताने की जरूरत नहीं है यशोदा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं जो तुमने किया है, अगर वो इस देश का हर वकील करने लगे तो इस देश में कोई भी केस पेंडिंग नहीं रहेगा। अच्छा, अब हम समझे, यानी सुनील जीजा जी ने आपको सब बता दिया। जीजा जी की क्या बात है यशोदा, मैंने सच को सच ही कहा है। एक बात बताऊं, जब मेरे पास फोन आया और मुझे पता चला कि कोई आदमी तुमको जान से मारना चाहता है, मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, परेशान हो गया था। अच्छा ये बताओ, रिवॉल्वर देखकर तुम्हें डर नहीं लगा? सच बताऊं सर, पहले तो हम भी डर गए थे, लेकिन फिर बाद में हम भी सच से पीछे हटने वाले नहीं है, हम भी अपनी बात पर अड़े ही रहे। और उसके बाद फिर कब पुलिस आ गई और उसे लेके चली गई पता ही नहीं चला। क्या सोच रही हो यशोदा? कुछ नहीं सर। अच्छा सर, अब हम जाएं? ओके okay. गुड गर्ल। अरे तुम लोग आओ। बैठो। क्या बात है, बैठ क्यों नहीं रहे हो? यशोदा जी, आप तो भगवान समान हैं, हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? विकास, तुम्हें ऐसी पत्नी 7 जन्म भी नहीं मिलेगी।
इतना दुख सहने के बाद भी आज भी तुम्हारे साथ है। बिल्कुल उसी पेड़ की तरह जिसको आदमी अपने स्वार्थ में तो काट देता है और ये भूल जाता है कि वही पेड़ हमें छांव देता है। यशोदा जी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। अगर सरोज मुझे माफ कर देना तो वापस से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दें। सरोज, यशोदा जी, अपना बिगड़ा हुआ घर बनने में किसको अच्छा नहीं लगता। सरोज, मुझे माफ करना। अगर तुम यशोदा जी से नहीं मिलती तो आज मेरे अंदर का जानवर बाहर नहीं निकलता और ना ही हम दोनों कभी करीब आ पाते। अब आप हमसे दूर मत जाइएगा। दूर कैसे जाओगे, हम हैं ना। अब आप लोग जाइए और अपनी जिंदगी के एक नए तरीके से शुरुआत करिए। यशोदा जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। आप मना मत कीजिएगा, बड़े अरमान से आपसे ये हक मांग रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। मैं आपको अपनी बहन बनाना चाहता हूँ। विकास, आपने राखी तो बंधवा ली लेकिन कभी इस रिश्ते को भूलिएगा नहीं। मैं इस रिश्ते को पूरी तरह से निभाऊंगा दीदी। और हाँ, सरोज का पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि अब आपकी जिंदगी में एक नई खुशी आने वाली है। बिल्कुल दीदी, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे आंगन में अगर बेटी हो जिसका नाम हम यशोदा रखें। अंदर आवे कि ना कहा होगा। आई ना।
खड़ा काय वाली बैठी ना। सोचा था नहीं कि अकेले अकेले कब तक खड़ा रहेगी पड़ी। अब याद आयल का शुदा हम भुलावले ही कब रही। जिस तरह तू हमार तस्वीर अपने मन में सजा के रख ले बड़ू ना वैसे हम तुम्हारे बिना कुछ न सोच सके। अब हम आपके कहा बताएं कि हम जाना था एक अकेला औरत के अनजान शहर कब तक दुख देवे। सुना सब कुछ भूल के घरे चला अब और बर्दाश्त नहीं किया। ये आप आपन मर्जी से कहा था नहीं कि यशोदा तुम जैसन सोचा था ना अब वैसन बात नहीं की। तुम एक बार हाँ तो करो। अरे आप इतना देर से आए बानी और हम यशोदा ये हमारे सवाल के जवाब नहीं के। यही बात पर हमने के बाद में विचार कर जाई कहे कि अभी हमके ऑफिस जाए के बाद ठीक बा जा ऑफिस फौरन जा। क्या बात है इतनी उदास क्यों लग रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं दरअसल आज पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है बहुत ही मन घबरा रहा है। अरे मूड ठीक करो और देखो ये दुर्गा के लिए मैं क्या लाया हूँ। क्या हुआ तुम आज यशोदा कहने गई। क्यों वो तो शाम को आने वाली है ना। आज नहीं आएगी क्योंकि रणवीर बाबू आ गए। तो क्या रणवीर बाबू यशोदा को वापस गोरखपुर ले चले आए। नताशा यशोदा के लिए इस अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसको उसका परिवार मिलेगा ढेर सारी खुशियां मिलेगी बच्चों को प्यार मिलेगा। लेकिन तुम उदास क्यों हो। नहीं तो मैं कहाँ उदास हूं। तुम्हारी खामोशी ने बता दिया है कि तुम्हारी उदासी का वजह क्या है। तुम्हारी ये सब बातें सुनकर मेरी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही है। क्या हमारी दुर्गा हमसे अलग हो जाएगी। सच को हमें स्वीकार करना ही होगा। हम कितना भी कुछ कर लें दुर्गा को अपना नाम नहीं दे सकते। पर दुर्गा को हम खुद से अलग नहीं कर सकते। हम भी तो ये नहीं चाहते कि दुर्गा मुझसे अलग हो। लेकिन क्या करें सीने पे पत्थर रखना ही होगा। हमने आपसे एक बार कह दिया ना कि दुर्गा हमारे साथ ही रहेगी। अब हम इसे कैसे समझाएं इसका जिद तो बवाल कर देगा। Thank you.
तुम्हारी खामोशी के हम कहाँ मतलब समझिए यशोदा, ये हाँ बा कि ना बा? कुछ बात बिना कहले ही समझ जाए के चाहिए, काहे कि एक बात बार बार दोहराए अच्छा न लगे ला। तुम्हारे मन में अभी ना वही बात यशोदा तो के नहीं के बना, तुम्हार वापस आवे से कितना लोग खुश हुए। बाकी कुछ लोग नाराज भी तो हो सके ना। सब समय का मौसम एक ही हो लगा यशोदा, हाँ एकर का गारंटी बा? हम समझ गए नहीं तो कहा सोचता है। अच्छा रुका रुका, अम्मा प्रणाम। हम रणबीर। हाँ अम्मा, यशोदा आवे के तैयार बा, बाकी हम आले यशोदा से बात करें। यशोदा प्रणाम। अम्मा जी यशोदा हमरा आंख पर जे पट्टी बांधल रहे धृतराष्ट्र वाला आज वो उतर गई। यशोदा अब हमरा जाके महसूस भेल कि तू हमार घर के बहू ना बेटी बारू बेटी। एकरा संगे हमरा अच्छा करे के रहे ओकरा संगे हम बहुत बुरा कैली, बहुत बुरा कैली यशोदा। हम तो माफी मांगे के लायक भी नहीं की। हो सके तो हमरा के माफ कर दिया। अम्मा जी अब पुरान घाव के खरोदे के जरूरत नहीं के, आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हमरे खातिर बहुत बड़ी बात बा। यशोदा अब देर मत लगा बा। हाँ अब बातें करी तराबू का, अब देखा जल्दी से घर आ जा। तोरा भी नहीं हाँ बहुत सुना सुना लगा था, पूरा रोशनी पहला पर भी अनहार लगा था यशोदा, अनहार लगा था। जल्दी आ जा तो के देखे बिना आंख तरस रहल बा यशोदा, आंख तरस रहल बा। जी अम्मा। तसल्ली हो गई हाँ? हाँ बोला यशोदा। भैया जी प्रणाम। अरे डरायल लेखा काहे बात करत बाड़ू? दरअसल भैया जी नेहा के पापा एजा आइल बाड़न। अरे एकरा में डराए के कौनो जरूरत नहीं है, हमरा के पता बा। दरअसल वो मेघा के बारे में पूछत रहलन, कहीं आप मेघा के बारे में कुछ बता तो नहीं देले? ना ना तू ये सब बताबो ना करिया। उनका के मेघा के पढ़ाई के अलावा कौनो बात पता नहीं है, काहे कि अभी समय भी ठीक नहीं है। ठीक बा भैया जी आप चिंता मत करी, आप जैसन कहे वैसन होई। ठीक है भैया जी हम फोन रखते हैं। ठीक बा। हाँ बोलो यशोदा।
इट्स ओके, कोई बात नहीं यशोदा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके यशोदा। यशोदा जाना दाड़ा, इस स्वाद खातिर मन तरस गिल रहे, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर, लगातार खाते ही जाए। झूठ नहीं सच कहा था यशोदा, हर तीज त्योहार पे तोरे हाथ की मिठास की। यशोदा हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए आइए, अरे बैठिए। सुनील जीजा जी से आपका परिचय है ना? हाँ हाँ हाँ, शादी में तो अभी किए थे ना। नमस्कार सुनील बाबू। नमस्कार नताशा जी, और इंस्पेक्टर साहब आपके तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज हमारा परिवार सुरक्षित था। ये सब होम मिनिस्टर की देन है। यशोदा दुर्गा है ना? हम देख रहे हैं कि हमारी बिटिया हमें नहीं पहचान। लगता है हमारी बिटिया हमसे नाराज है। अब आप इतने दिन इसे अकेले छोड़ देंगे तो नाराज तो होगी ही ना। रणवीर बाबू, आपसे एक प्रार्थना है, आप लोग कभी एक दूसरे से नाराज मत होइएगा, ना हम लोगों से। ऐसा कभी नहीं होगा जीजा जी, क्योंकि आप लोगों ने हमारी जिंदगी को ही बदल दिया। हमको तो इस बात का डर है कि हमारे जाने के बाद दुर्गा के बिना नताशा कैसे रहेगी। दुर्गा कहीं नहीं जाएगी।